नाउ जेनेटिक कोड का मतलब क्या है? इट इज द इट इज द रिलेशनशिप या इट इज द बेसिस ऑन विच फोर न्यूक्लियोटाइड्स इन द mRNA कोड फॉर 20 अमीनो एसिड्स इन द प्रोटीन्स. ठीक है, सो इट इज द बेसिस ऑन विच फोर न्यूक्लियोटाइड्स इन द mRNA कोड फॉर 20 अमीनो एसिड्स इन द प्रोटीन्स कॉमा अनएम्बिगुअसली. ठीक है, तो अनएम्बिगुअसली, एम्बिगुअसली का मतलब क्या होता है? उसमें डबल मीनिंग होता है. अनएम्बिगुअस मतलब एक कोडन. व्हाट इज अनएम्बिगुअस? वन कोडन, ओके, वन अमीनो एसिड. तो इसको हम लोग अनएम्बिगुअस कहते हैं. मतलब एक कोडन कभी भी एक से ज्यादा अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करेगा. ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द जेनेटिक कोड. ठीक है, नाउ ये जो जेनेटिक कोड है, ओके, नाउ इसमें आपका जो चेंज ऑफ वन लैंग्वेज टू अनदर होता है, ओके, सो देयर इज अ चेंज फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट? ट्रांसलेशन. ठीक है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन. नाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टू पॉलीमर ऑफ इधर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स लिखेंगे. राइबोन्यूक्लियोटाइड्स मतलब आरएनए टू सिंथेसाइज ए पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स. ओके, नाउ नीदर डज एनी कॉम्प्लीमेंटरिटी एग्जिस्ट. ओके, तो इनके बीच में नीदर डज एनी कॉम्प्लीमेंटरिटी एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स एंड अमीनो एसिड्स नॉर कुड एनी बी ड्रॉन थियोरेटिकली. ओके, तो पहले ऐसा कुछ था नहीं कि मैंने देयर वाज नो सच रिलेशनशिप बिटवीन अमीनो एसिड एंड बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स एंड द क्या अमीनो एसिड्स. तो ऐसा कोई रिश्ता न पहले था न बाद में बना. ठीक है, नाउ देयर एग्जिस्टेड एम्पल एविडेंसेस दो टू सपोर्ट द नोशन दैट चेंज इन न्यूक्लिक एसिड्स वेर रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन अमीनो एसिड्स. समझ रहे हो? So this led to the proposition of genetic code that could direct the sequence of amino acids during synthesis of proteins. समझ आया कि actually जब ये सब बात चल रहा था ऐसा कुछ डीएनए आरएनए में रिश्ता था क्या? ए विल पेयर विथ टी इन डीएनए, यू विथ आरएनए, ओके, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. तो देयर वाज ए रिलेशनशिप बिटवीन द व्हाट? Between the DNA and RNA, but there was no such relationship between DNA and proteins or RNA and proteins. ऐसा कुछ भी known नहीं था. But फिर भी अगर बदलता था आपका क्या nucleotide sequence, तो protein में भी गड़बड़ हो जाता था. तो इससे लोगों को लगा कि भाई कुछ तो बात है, वरना डीएनए बदलने से प्रोटीन क्यों बदल जाता है कि नहीं? सो दिस वाज द बिगेस्ट कंसर्न. ठीक है,
सो दैट इज द केस. तो अब इसके बारे में आया थ्योरी किसका, जॉर्ज गैमो. ओके सो ये याद रखेंगे, जॉर्ज गैमो. तो जॉर्ज गैमो ने क्या बोला, तो यू विल बी प्राउड टू नो दैट इन 1956 जॉर्ज गैमो वाज अवार्डेड विथ कलिंग प्राइज. समझ रहे हो, ओडिशा. तो इमेजिन दैट वी आवर ओडिया माटी में कुछ तो रिश्ता है. चलिए, तो अर्लियर जॉर्ज गैमो द वेल नोन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, क्योंकि एक भैया थे वो बोले कि माय फेवरेट सब्जेक्ट इज फिजिक्स, आई वांट टू डू रिसर्च इन बायोलॉजी. समझ रहे हो, तो इस तरह से वो, तो उसको पूछे भाई तो ऐसा कोई फिजिसिस्ट का नाम बोलिए जो बायोलॉजी में काम किया, वो बता नहीं पाए. तो आपको बताना तो पड़ेगा केवीपी में. तो इसलिए वन फिजिसिस्ट वाज फ्रांसिस क्रिक, तो आराम से बोल सकते थे. अब समझ रहे हो कि मैं आपको क्यों अलग अलग हिस्ट्री में इतना जोर देता हूँ, बिकॉज जो केवीपी लाइन मेडिकल एडिकल में भले आप भूल जाओ, बट अगर आप उस लाइन में गए तो भैया आपको याद तो रखना ही पड़ेगा. क्योंकि अगर तुम मेरा नाम याद नहीं रखोगे तो मेरे बच्चे तुम्हारा नाम क्यों याद रखेंगे, तुम्हारा नाम. तो दैट इज अ रिलेशनशिप. ओके सो लाइक दैट. तो अर्लियर जॉर्ज गैमो द वेल नोन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट प्रपोज्ड दैट द जेनेटिक कोड कंसिस्ट्स ऑफ 3 नाइट्रोजिनस बेसेस एंड द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स overlap. Okay, this meant that at any particular point the same nitrogenous base occurs 3 times in a vertical manner instead of one which is expected on the basis of collinear model. ठीक है, तो ये उन्होंने propose किया था. इसका मतलब क्या है, मतलब आपका जो nitrogenous basis है साथ साथ पढ़ना पड़ेगा, इकट्ठे नहीं होगा. क्यों बोलिए, बिकॉज आपको नॉन मैंने क्या अनएम्बिगुअस एमिनो एसिड बनाना चाहिए. ठीक है, सो इसको लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया. सो ये उन्होंने एक प्रपोजिशन दिया था बट दिस दे डिड नॉट अप्रिशिएट लोगों ने. दिस हाइपोथेसिस हाउएवर was not accepted on the following grounds. Point number one, in the overlapping model, only certain amino acid can follow certain others. After the first amino acid in a protein is coded, the next two and for that matter, the remaining amino acids are partially predetermined. If the first code is CAG, the next code must begin with AG and the third one with G. मतलब ये कंपल्शन आ गया. ठीक है, इसको ओवरलैपिंग कोडॉन बोला जाता है. ये हम लोग प्रॉपर्टीज में जब पढ़ेंगे आई विल शो यू. सो इन द ओवरलैपिंग मॉडल ओनली सर्टन, देखो आप देखिए, तो अब सपोज ये एमिनो एसिड आ गया, उसके बाद एमिनो एसिड वाला ए जी डैश ही आएगा, है कि नहीं. तो अब हमने ए जी डैश में कितना एमिनो एसिड देखा है, बोलिए, ए जी डैश में चार ही एमिनो कोड हो सकता है कि नहीं. yes, तो चार ही कोड हो सकता है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 एमिनो एसिड हो सकता है. इसका मतलब अगर आपका पहला कोडॉन सी ए जी है तो नेचर ऑलरेडी फिक्स कर चुका है कि अगला वाला कौन सा होगा. तो ऐसा तो होता नहीं है. सेकेंड पॉइंट, म्यूटेशंस इन्वॉल्व changing in one base. Okay, mutation will change in one base according to this hypothesis must involve 3 amino acid changes. Must involve 3 amino acid changes in the protein. Aya ki nahi? So suppose tamara ei G ta udi gala. To ye kitne codon ko affect karega? 3 codon ko. CAG, AG dash and G dash dash. So all the 3 codons will be affected. But aisa report nahi hai.
ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जॉर्ज गैमो। नाउ अब उसके बाद एक एरे ऑफ पीपल इस कोड को ढूंढने के लिए पीछे पड़ गए, अंडरस्टैंड। तो एन एरे ऑफ पीपल वेंट आफ्टर दिस। तो जॉर्ज गैमो ने बताया कि जो अगर ओके अगर आपका चार न्यूक्लियोटाइड है, इस पे आपका हर बार क्वेश्चन होता है, एंड बहुत रिसेंटली मुझे अभिषेक ने भी वो क्वेश्चन पूछा था। ओके, तो जॉर्ज गैमो ने क्या बोला, इट वॉज जॉर्ज गैमो हु आर्ग्यूड दैट सिंस देर आर ओनली फोर बेसेस फोर न्यूक्लियोटाइड्स, ले लो न्यूक्लियोटाइड्स, एंड इफ दे हैव टू कोड फॉर 20 अमीनो एसिड द कोड शुड कंस्टिट्यूट ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेसेस, क्योंकि एक से तो होगा नहीं। He suggested that in order to code for all 20 amino acids, the code should be made up of 3 nucleotides. इसको हम लोग क्या कहते हैं? Triplet code. Okay? So ये उन्होंने suggest किया था Gamow. ठीक है? So let us see क्यों? तो देखिए, इसको हम लोग लेंगे if the code is singlet. What is singlet? One nucleotide, one code. ठीक है? So if the code is a singlet, okay, if the code is a singlet, bracket ray, one nucleotide codes for an amino acid unambiguously. ठीक है, तो if the code is a singlet, तो कितना होगा? There are four codons. है कि नहीं? क्यों? A U G C. The four codons are A, U, G, C. ठीक है? कोई शक? No, sir. हो गया? तो इसका मतलब, क्योंकि अनएम्बिगुअस होना चाहिए, ठीक है? अब इसी को कॉपी करेंगे एंड पेस्ट कर देंगे। इफ द कोड इज ए डबलेट, ओके, मींस टू न्यूक्लियोटाइड्स, ओके, रेड इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस, ओके, सीक्वेंस, टू न्यूक्लियोटाइड्स रेड इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस कोड्स फॉर एन अमीनो एसिड अनएम्बिगुअसली। सो इसमें क्या होगा? सो देर आर फोर इंटू फोर इज इक्वल टू 16 कोडॉन्स। सपोज अगर हम लोग ले लें कोड जैसे, तो आप ए यू ए जी यू सी ए जी ले लो, ए पहले यू से ले लेते हैं, यू 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 सी यू ए यू जी एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपका 16 कॉम्बिनेशंस बनेगा। ये तो मैं आपको कल ही बता दिया था। अब समझ में आया कि जेजेस ने आपको सिर्फ 2 कोडन का डिब्बा क्यों भरने बोला? Yes, मेरा टारगेट ये yes, भी sir. था। आया समझ? ये आपका फर्स्ट रो हो गया, यू 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 सी यू ए यू जी, है कि नहीं? अगर आप इसका ले लो, फर्स्ट रो ले लो, तो आपका ये यू 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 सी यू ए यू जी हो जाएगा। फिर सेकेंड रे हो जाएगा क्या, सी यू सी 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 ए सी जी, फिर ए यू ए सी ए जी,
फिर जीव जीसी जीए जीजी, ठीक है तो लिख ही लो, तो हम लोग को तो पता है। अब समझ में आया कि मैं इसको क्यों तुमको अलग से लिखाया था, तो ये यू सीरीज हो गया, तो आ जाएगा फिर सी यू सी 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 ए सी जी, उसके बाद ए सीरीज आ जाएगा, ओके ए यू ए सी ए ए ए जी, उसके बाद जी सीरीज आ जाएगा, जी यू जी सी जी ए जी जी। अंडरस्टूड? कोई शक? तो अब ये जो है डबलेट कोडॉन है, मतलब टू न्यूक्लियोटाइड्स रेड एट ए टाइम, फाइन, दीज आर ऑल 16 कोडॉन्स, ठीक है। तो इसको अलग से दिखाने के लिए हम लोग शेड कर देते हैं, तो सपोज ये चारों को एक शेड कर देंगे एंड ये चारों को एक शेड कर देंगे, रेडी। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, डबलेट कोडॉन। बट फिर भी बच गया कितना, चार, क्योंकि अब वो चार तो फिर एम्बिगुअस हो जाएगा ना, तो इसीलिए दिस कंसेप्ट वाज आल्सो नॉट सपोर्टेड, ओके। इसमें हम लिख सकते हैं इट मेंट दैट फोर एमिनो एसिड्स have no codons, okay, the four amino acids have no codons or they are ambiguously coded, hai ki nahi, matlab wo code kisi aur ko zarur code karta hai, theek hai, to isiliye iska status kya ho gaya, rejected। Now, अब अगर कोड इज, अब बच गया क्या, ट्रिपलेट, ओके, इसका मतलब थ्री न्यूक्लियोटाइड्स, थ्री, इसको ये वाला लाइन कॉपी कर देते हैं, सो थ्री न्यूक्लियोटाइड्स read in a particular sequence code for an amino acid unambiguously. So there are 4 × 4 × 4 is equal to 64 codons. 64. Okay. So 64 codons. So they can code for 20 amino acids unambiguously. अभी देखो भाई, हमारे क्लास में ही साला एम्बिग्विटी है, एटो दो ठो आदित्य आ गया, एटो आदित्य महापात्र आ गया, एटो आदित्य रे आ गया, उरी बड़े बदतमीज हो यार, हैं तुम लोग अलग अलग नाम क्यों नहीं रखे, तो देख रहे हो कि नहीं, माने वी हैव एम्बिग्विटी इन आवर क्लास। अब आदित्य बोलने से फिर अजीब बात होता है, दो दो नाम आने लगता है, समझ रहे हो, तो इसीलिए भाई अगर इतने नाम थे